हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज करनाल में होटल ज्वेल्स में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस हमेशा टिकटों के लिए सौदेबाजी करती आई है और कांग्रेस के टिकट सौदे का यह खेल खुद कांग्रेसियों ने खोल दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने जिन विधायकों को टिकट नहीं दिया वो पार्टी के साथ हैं और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, लेकिन जब हरियाणा की जनता विपक्ष को दुत्कार रही हो तो इसमें भाजपा को बढ़त मिलनी लाजमी है। इसमें 75 प्लस का टारगेट रखा था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी पार्टियों ने सीटों को लेकर सौदेबाजी की है, लेकिन भाजपा ने बड़े सोच समझ कर जनभावना के अनुरूप टिकटें बांटी हैं। पत्रकार वार्ता में खास बात यह रही कि कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके घरोंडा के सोहन लाल गुप्ता, घरोंडा नपा के पूर्व चेयरमैन आजाद सिंह, पूर्व विधायक नफे सिंह वाल्मीकि, कांग्रेस नेता राजेंद्र अंजन थली, रविदत्त शर्मा, जयपाल गुज्जर उर्फ पप्पा ने आज भाजपा ज्वाइन की है। इस अवसर पर मेयर रेणुबाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, विधायक हरविंदर कल्याण, विधायक भगवान दास कबीरपंथी के साथ साथ योगेंद्र राणा, राकेश नागपाल समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सीएम ने इस मौके पर सभी को दशहरे पर्व की बधाई दी। मित्रों, जैसा आपको जानकारी है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का यह परिवार बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग नामांकन प्रक्रिया से पहले भी पार्टी को ज्वाइन किया है पूरे प्रदेश भर में, और अब नामांकन की प्रक्रिया के समाप्ति के बाद भी प्राय हर विधानसभा क्षेत्र में दूसरी पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे लोग आ रहे हैं, हम उनका सबका स्वागत करते हैं। जैसा आज हमारे श्री लाला सोहनलाल जी गुप्ता, जो घरोंडा से जिन्होंने 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, अपने सैकड़ों साथियों सहित, बहुत से लोग तो उसमें अंदर हॉल में बैठे हैं, काफ़ी लोग बाहर भी उनके खड़े हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसी प्रकार जेजेपी से पूर्व विधायक नीलोखेड़ी से श्री नफे सिंह जी वाल्मीकि, वो भी जेजेपी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। नीलोखेड़ी से ही कांग्रेस से विधानसभा में दो बार लड़े चुनाव श्री राजेंद्र अंजन थली, इन्होंने भी पार्टी को ज्वाइन किया। श्री रविदत्त जी शर्मा, जो ब्राह्मण सभा करनाल के हमारे युवा अध्यक्ष हैं और अभी तक कांग्रेस से संबंध रखते थे, कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी प्रकार नगरपालिका घरोंडा के एक्स चेयरमैन श्री आजाद सिंह जी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। श्री जयपाल गुज्जर उर्फ पप्पा, क्योंकि इनके नाम से दूसरे भी नेता हैं इसलिए पप्पा नाम से जाने जाने वाले हमारे श्री जयपाल गुज्जर, जो करनाल विधानसभा के अंदर हैं, ये भी कौन सी पार्टी में थे पहले, कांग्रेस के पूर्व में जिला महासचिव ये रहे, कांग्रेस छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। इन सब नेताओं का, इनके समर्थकों का मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पार्टी में इनका सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी का सभी विधानसभाओं में शुरू हो गया है। मैं स्वयं 2 दिन का कार्यक्रम मैंने पूरा किया है, 6 और 7 तारीख का। आज विजयदशमी के नाते से कुछ करनाल के ही लोगों से मिलना जुलना, और आज सायंकाल के विजयदशमी का जो रावण दहन का कार्यक्रम, उसके अंदर शामिल रहूँगा। और 2 दिनों के 11 कार्यक्रम मेरे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में अपार जनसमूह उमड़ रहा है, समर्थन दे रहा है अपना, और उन सब जगह पर भी इसी प्रकार से दर्जनों ऐसे दूसरे पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सर्वदूर उत्साह है,
और सामने यदि देखा जाए तो कोई भी पार्टी अभी चुनावी मैदान में दिख नहीं रही है। अभी तो सब प्रत्याशी अपने अपने व्यक्तिगत दौरे छोटे मोटे कर करके अपनी चीज़ों को संभाल रहे हैं, जबकि हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कल से हरियाणा में सभाओं करके और प्रचार अभियान के लिए बुला लिया है। कल से हमारा अभियान शुरू हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की कल 4 स्थानों पर रैलियां हैं। उन रैलियों में भी हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत बड़ा जनसमूह उसमें उभरेगा। प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम, बाद में कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम, श्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम, वो सब बन रहे हैं और मैं समझता हूँ 10 और 11 तारीख से उनके भी कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। कोई विधानसभा ऐसी नहीं बचेगी जिसमें प्रमुख रूप से एक या दो कार्यक्रम बड़े न हों। सभी प्रत्याशियों से बातचीत करके जितने कार्यक्रमों की उनको आवश्यकता है उस हिसाब से उनको कार्यक्रम दे रहे हैं और एक सुचारू रूप से ये अभियान हमारा 19 तारीख तक इसी प्रकार से चलेगा। 21 तारीख को पोलिंग और 24 तारीख को उसका रिजल्ट, बहुत अच्छी अपेक्षा हमको है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव में जब उतरा जाता है तो अपने बलबूते उतरा जाता है। हम लोगों ने चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, जनता के लिए जितना काम किया है अपने आप में उसका पूरा उत्साह जनता में है। उसके आधार के ऊपर हमारी बढ़त बहुत बनी हुई है। ये ठीक है कि जब लोकतंत्र में मुकाबला होता है तो सामने एक या दो जितने भी विपक्ष की पार्टियां नेता होते हैं उनकी कमजोरी का लाभ ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो उसका भी लाभ हमको होने ही वाला है। आखिर जनता की जो चाहत है, वो जिसका विश्वास है, उधर से जब टूटा है तो कहीं ना कहीं उनको अगर आगे बढ़ना है तो जिसके प्रति लोगों का लगाव है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ बढ़ेंगे और इसमें से सीटें भी बढ़ेंगी, मार्जिन भी बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण। मुख्यमंत्री जी निगम द्वारा बिजली बोर्ड के अंदर 80 भर्तियां हुई थी वो रद्द कर दी गई है, विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा था, वो भर्तियां क्यों रद्द की? जेजेपी ने इसको बड़ी जीत बताया आपने। देखिए, कोई जीत नहीं है, ये भर्तियां हुई नहीं थी, कोई भर्ती नहीं हुई थी, केवल उन्होंने इसको इशू बनाया। ये तो केवल अभी फार्म भरे गए थे, फार्म भरने के बाद उसका एक एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के बाद भर्तियां होनी होती हैं। उस एनालिसिस में जो बात उनके सामने हो हमारे सामने भी है। आखिर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ये उसका विषय है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है इसमें 40 पोस्टें रिजर्व्ड कैटेगरी भी थी, तो रिजर्व कैटेगरी की सारी 40 की 40 पोस्टें वो सब हरियाणा के लोगों को मिली हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, क्योंकि उसमें हमने इस बार पहली बार एक प्रयोग किया कि जो गेट का पेपर होता है, गेट का पेपर चेन्नई का विश्वविद्यालय वो करवाता है सारे देश भर का, और उसके अंदर हजारों हजार लोग पास होते हैं। उसमें बहुत से लोग हायर एजुकेशन के लिए, वास्तव में वो हायर एजुकेशन के एडमिशन का ही टेस्ट है। हायर एजुकेशन के टेस्ट वाले जो लोग पास होते हैं, जितने पढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं, बाद में उन्हीं को, ये बाकी जगह कहीं नहीं, हमने ही एक टेस्ट किया था कि जब बहुत अच्छा एक परिणाम रिजल्ट उनका निकला हुआ है तो क्यों नहीं उसी को आधार मानकर हम एक ऑफर देते हैं कि उसमें से जो सरकारी नौकरी में आना चाहे वो आ सकते हैं। पिछली बार भी एक साल पहले हमने किया था, उसमें पर्याप्त संख्या में हरियाणा के लोग थे। अब दूसरी बार ये हमको अध्ययन करना पड़ेगा कि उसमें मूल रूप से हरियाणा के हमारे विद्यार्थियों के अंक कम थे या अंक अच्छे थे, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया उसका ये विश्लेषण, इस विश्लेषण के आधार के ऊपर अभी वह भर्तियाँ रद्द हो गई हैं। भर्तियाँ माने एक एप्लीकेशन ही थी, तो उसको नए सिरे से विचार करेंगे कि नए सिरे से हरियाणा के लोग भी उसमें आ सके। मानो उस पद्धति से नहीं आएंगे तो हमारे अपने जैसे टेस्ट होते वैसे करेंगे। वो टेस्ट ना तो HPSC का था, ना वो टेस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का था, वो टेस्ट चेन्नई यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट था जिसके आधार पर हमको लगा कि उसमें से करेंगे तो शायद अच्छा होगा। वो एक प्रयोग हमने करके देखा है, हमको भी ये जो लगा है तो ये कोई भर्तियां हो नहीं गई थी, एक एनालिसिस उन्होंने भी किया था, हमने भी किया था। अब उन्होंने मीडिया में कह करके इसको बड़ी जीत माना है, ये कोई जीत नहीं है। हम हरियाणा के लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, पहले भी और आज भी।
हरियाणा में टैलेंट है कि आगे भी जो भर्तियां की जाएंगी वो हरियाणा के बच्चों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? जितना संवैधानिक सिस्टम हमको अलाउ करता है उस सिस्टम से ज्यादा लोगों को, हरियाणा के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 ये हमको ऐसा नहीं कह सकता कि हम केवल हरियाणा के लोगों को भर्ती करेंगे, वो आड़े आएगा, कहीं भी कोर्ट में जाकर रुक जाएंगे। लेकिन उसमें प्रश्न पत्र में कम से कम हरियाणा के लोगों की जानकारियाँ, ये जिन लोगों को होंगी तो स्वाभाविक हो हरियाणा के लोग आगे आएंगे। बहुत ऐसे प्रांत हैं जिनको अपनी जो उनका प्रादेशिक भाषा होती है उसका लाभ हो जाता है, जैसा मानो पंजाब है, अब वो लिख देते हैं कि पंजाबी जानकारी हो। हम ऐसे तो पंजाबी की जानकारी हरियाणा के लोग भी ले सकते हैं, दिल्ली के भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि पंजाबी वहाँ की राजभाषा है तो उसका लाभ पंजाब को मिलता है, तमिलनाडु को तमिल भाषा लिखने से उनको लाभ मिलता है, तेलुगु को वहाँ की भाषा का जानने वाला है। हम अगर हिंदी लिखते हैं तो हिंदी जानने वाले बहुत प्रांत हैं, इसलिए हमें उस प्रकार की सुविधा नहीं है। फिर भी हरियाणा के साथ जुड़े हुए लोग हरियाणा की संस्कृति को कितना जानते हैं, पहचानते हैं, उतना हमको जो छूट है उसको हम करें। सर, अशोक ने आरोप लगाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी के साथ मिल गए हैं और उनको जेल ना भेजा जाए, इसलिए डमी से डमी कैंडिडेट उतारे जाए। देखिए, इसमें या तो बताएं अशोक तंवर या बताएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पास कुछ लोग थे नहीं थे जो उनके भर भी रहे थे फार्म धड़ाधड़। अगर हम जेजेपी की बात देखें तो उनके धड़ाधड़ गिर रहे हैं, 3 तो ऑफिशियल कैंडिडेट उनके छोड़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कौन से कैंडिडेट खड़े किए कौन से नहीं किए, वहाँ एक सौदेबाजी चल रही है, इतने तुम्हारे, इतने इसके, इतने इसके, इतने इसके, योग्यता देखने का तो कोई सिस्टम आज तक नहीं रहा उनका। ये तो नेता अपने अपने सिस्टम से सीटें बांट लेते हैं, और सीटें बांटने के बाद आप लोगों ने छापा भी है कि भूपेंद्र हुड्डा के इतने, अजय यादव के इतने, कुलदीप के इतने, सुरजेवाला के इतने। अब ये अगर आधार उनका है तो भगवान भला करे उनको, जनता को तो सब समझ में आता। देखिए, हर जगह पर कोई एक जैसा विषय नहीं है, सीट के हिसाब से कहीं कहीं जेजेपी का व्यक्ति भी है, कहीं कहीं कांग्रेस का व्यक्ति भी है। आखिर कांग्रेस का व्यक्ति के नाते से अगर मैं कहूं कि केलोई तो कांग्रेस के साथ ही मुकाबला है, अगर हम कहें उचाणा तो जेजेपी के साथ ही है, अगर हम एलनाबाद कहें तो इनेलो के साथ ही है, करनाल में किसके साथ है आप जानो। हमने अपनी ओर से 75 का जो लक्ष्य दिया था, हमारे जो सब समर्थक लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं ज़्यादा आएंगे, तो हमने कहा इसमें प्लस लगा दो, प्लस की कहीं तक भी जनता जो निर्णय करेगी हमको स्वीकार होगा। सामने विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा, बावजूद इसके स्टार प्रचारक हमारे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब जो भी कदाव नेता, तो चुनाव चुनाव की तरह लड़ा जाता है और हर किसी को उसमें एक्टिव रहना होता है, रखना भी होता है, आखिर यही तो एक चुनाव का अवसर जो होता है। इसमें जनता भी चाहती है कि हम सब नेताओं को सुने, सब नेताओं को देखें, कुछ दिखने वाले होते हैं, कुछ सुनाने वाले होते हैं, हर तरह के नेता होते हैं, तो जनता को भी आखिर एक उत्सव होता है, लोकतंत्र का उत्सव होता है, इस उत्सव में जनता को हर प्रकार की अपेक्षा होती है, उसमें नेताओं के दौरे ये भी अपेक्षा होते थे, उसको हम पूरा करते हैं। अशोक तंवर भी बीजेपी में आ रहे हैं? 15 जो बागी हैं अशोक तंवर, मैंने कहा अच्छा हो कि अशोक तंवर से पूछो, 15 जो बागी थे बीजेपी सॉरी कांग्रेस के और 3 इसके बीजेपी के, उन्होंने वापस नहीं अपना नामांकन लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम से कम हमको अपना पता है, एक सीट पर छोड़कर हमारे एक विधायक जरूर जो पहले थे वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने फार्म भरा है, बाकी कोई विधायक, 11 और विधायक हैं जो आज भी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हमको टिकट भले नहीं मिली, हमारा उद्देश्य एक ही कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, सब उनको काम में लगे हैं। अब एक्सेप्शन अलग बात है, कांग्रेस में कितने बागी खड़े हैं मुझे कोई उनकी खुशी नहीं है, लेकिन वहाँ बगावत होगी, वोट बटेगा, अल्टीमेटली लाभ हमको होगा, उससे मैं डिनाई भी नहीं करता। लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, कभी हम भी विपक्ष के नाते से रोल अदा करते थे, इसलिए विपक्ष बिल्कुल नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा ऐसा हमारा मानना नहीं है, जो कुछ आएंगे उन्हीं से खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी बातचीत बहुतों से चल रही है जब आएंगे। सर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो तो प्रशासन और पुलिस की क्या तरफ से विशेष ड्यूटियां लगाई गई हैं? सभी प्रकार के व्यवस्था का जायजा पुलिस ने, होम डिपार्टमेंट ने ये ले लिया है। चुनाव आयोग से भी फीडबैक जो हमको मिला है उसके हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस की है उतनी मांग ली गई है। अब मैं अंत में आप लोगों के माध्यम से एक अपील जनता से करना चाहता हूं कि लोकतंत्र इसमें चुनाव एक उत्सव होता है, सब लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए। ये अपील मैं आप लोगों के माध्यम से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।